पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ अमित कुमार। वड्डी खबर उदयवीर कतल नू लैके सामने आ रही है। उस 6 साल मासूम दा बच्चा जिसका कतल हो गया सी उसदे लैके वड्डी खबर सामने आ रही है। उसके कातल 3 कातल फड़ ले गए ने। पुलिस दे वलों 3 मुलजमान इस दे विच गिरफ्तार कर लिया गया। नानक सिंह होरा दे वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वड्डी जानकारी सांझी की गई है। तो इस दे पिछे की कारण सी, उस कारण नू ऑफिशियल तौर पर सामने लियाउण दी कोशिश की गई है कि इन्हां 3 मुलजमां दे वलों ये सारी प्लैनिंग घड़ी गई उदयवीर दे कतल लई, माफ करना उदयवीर दे पिता दे कतल दे लई। ते गोली जो गलती नाल वज जांदी आ उसदे, ते उस तों बाद ये फरार हो जांदे ने। पुलिस दे वलों फड़ लिया गया, इन्हां नू गिरफ्तार कर लिया गया। ते जिस हथियार दे नाल इन्हां दे वलों हमला किया गया सी, उह हथियार भी देसी पिस्टल दे नाल हमला किया गया सी, उह देसी पिस्टल भी इन्हां कोलों बरामद कर लिया गया। जिस मोटरसाइकिल दे उत्ते इन्हां ने वारदात नू अंजाम दिता, उह मोटरसाइकिल भी बरामद इन्हां दे वल्लों कर लिया गया। ते सेवक सिंह इस दे विच उह सीरी दस्सिया जा रहा जो इन्हां दे घर काम करदा सी, जसप्रीत दे घर काम करदा सी, उहदे वीर दे पिता दे घर काम करदा सी, ते सीरी दे तौर ते उत्थे काम करदा सी काफी लंबे समय तों। ते नाल ही उहनां दी जिहड़ी एक कुड़ी सी उस ते नज़र रखदा सी, उस दे नाल गलत हरकतां करन दी कोशिश करदा सी, ते इस नूं जसप्रीत वरजदा सी, इस नूं टोकदा सी, ते इस तों बाद उहनूं लगदा सी कि इस नूं फसाएगा। तां कतल दी प्लैनिंग इन्हां दे वल्लों कीती जांदी है। इस सेवक सिंह दे भरा दे नाल, सके भरा इसदा वड्डा भरा है, उस दे नाल मिल के प्लैनिंग करदा है। ते तीसरा जो मुलजम है आकाश, उह वी इस दे विच शामिल हुंदा है। तां इह सारी प्लैनिंग करदे आ, जसप्रीत नूं मारन जांदे आ, उसदे उदयवीर दे पिता नूं मारन जांदे आ, पर गलती इहनां कोल हो जांदी है। ते इह गोली जो है सिद्धा जाके उदयवीर दे वजदी है, एक छोटे मासूम बच्चे दे वजदी है, ते उसदा कतल हो जाता है। सिर दे विच उसदे गोली वजदी है। जो तस्वीरां निकल के सामने आउंदियां ने तां सारिआं नूं परेशान करदियां ने। लोकां दे मनां दे विच इक चिंतन पैदा हुंदा है कि इन्ने छोटे मासूम बच्चे की मौत हो गई, ते इन्हां कातल जो शरेआम भज्जे फिरदे सी, ये पिंड दे विच एक जिथे शांत माहौल हुंदा, जिथे लोकां दे विच इक आपसी भाईचारा भी हुंदा, एक सांझ हुंदी है, रिश्तेआं दी सांझ हुंदी है, गुआंढ महला हुंदा, तां सीरी जो काम करदे ने उहनां नाल वी इक चंगा रिलेशन हुंदा है। पर इस तरह जो ये वारदात निकल के सामने आई है, अपने आप दे विच वड्डे सवाल पैदा कर रही है। इस बच्चे मासूम बच्चे की फोटो तस्वीर तुसीं इस मौके देख रहे हो कि किन्ना मासूम सी, 6 साल इसकी महज उम्र सी, परिवार का चिराग सी जो कि बुझ गया, ते जो कातल सी ये फरार सी, ते हुण फड़े गए ने। नानक सिंह SSP होरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पुलिस ते एक तरह का प्रैशर भी लगातार बनिया होया सी कि ये फरार ने, लोग इस दे बारे विचार कर रहे ने, लोग इस दे बारे गल कर रहे ने कि किवें यह कतल हो गया, क्यों यह कतल होया, ते हाले तक ये कातल फरार ने, ते कातल इस तरह शरेआम घूमते भी फिर रहे ने। ते एक जो लोग, एक जो क्रिमिनल माइंडड लोग अपने समाज दे विच तुरे फिरदे ने, इन्हां तों भी डरन दी लोड़, ते लोकां नूं सोच दे विच भी यह चीज़ पाउंदी है। तां नानक सिंह SSP होरां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, वड्डे खुलासे उन्हां दे वल्लों कीते गए ने। 302 ते 307 का परचा भी दर्ज किया गया है इन्हां मुलजमां ते, 3 मुलजमां ते। होर की कहानी सी इहदे पिछे, SSP नानक सिंह होरां नूं तुहानूं सुणाउंदे आ, जिन्हां दे वल्लों इह वड्डे खुलासे कीते गए ने, ते वड्डी सफलता मिली है। एक साढ़े कोल इनफॉर्मेशन आई सी कि 16 मार्च 2023 नूं शाम नूं साढ़े कोल इनफॉर्मेशन आई सी कि एक बच्चा है 6 साल का, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 302, 307, 34 ਤੇ 120 ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਛਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 302 ਤੇ 307 ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ये सीगा कि जेडे 2 असेलेंट ने, उस तो अलावा भी बंदे इनवॉल्व ने, तो इस करी 120 बीवी नाल लई गई सी। 3 बंदिया ते मुकदमा दर्ज होया सी, सेवक सिंह, अमृत सिंह ते आकाशदीप उर्फ चन्नी, ये तिन्हां नूं अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके जेड़ा बाइक इन्हां ने यूज़ की सी ड्यूरिंग मर्डर, वो बाइक भी रिकवर कर ली गई, ते नाल जेड़ा वैपन इन्हां ने यूज़ किया सी, वो वैपन भी रिकवर कर लिया गया। जिहड़ा वजह रंजिश इहदे च क्लीयर हुई है कि ये जिहड़ा सेवक सी ये बलबीर सिंह दे घर काम करदा सी, सेवक जिहड़ा सी ओह घर किसी दे सीरी लगा होया सी, उन्हां दी जिहड़ी बेटी सी 11-12 साल दी पोती, उहदे नाल ये अश्लील हरकतां करदा, उहदी कोई अननोन बंदे गोली मार के उहदा मर्डर करके। उस इनफॉर्मेशन दे बेसिस ते असीं जदों बयान लिखण वास्ते इहनां दे परिवार नूं कहा, सो परिवार ने 17 तरीक नूं साडे कोल बयान लिखाए सी,
उस बयान के बेसिस से असी परचा दर्ज किया 302 307 34 ते 120 बीच बिकॉज उत्थे छर्रे जिहड़े आ उहनां दी बेटी दे भी लगे सी ते बेटे दा मर्डर हो गया सी। सो 302 ते 307 दोवें उहदे च लगे सी। इहदे च सीगा कि जिहड़े दो असेलेंट ने उस तों अलावा वी बंदे इनवॉल्व ने ते इस करके 120 बी वी उहदे विच नाल लई गई सी। तीन बंदिआं ते मुकदमा दर्ज होया सी, सेवक सिंह, अमृत सिंह ते आकाशदीप उर्फ चन्नी। ये तिन्हां नूं अरैसट कर लिया गया। अरैसट करके जिहड़ा बाइक इन्होंने यूज़ की सी ड्यूरिंग मर्डर, वो बाइक भी रिकवर कर ली गई है ते नाल जिहड़ा वैपन इन्होंने यूज़ किया सी वो वैपन भी रिकवर कर लिया गया। जिहड़ा वजह रंजिश इहदे च क्लीयर हुई है कि ये जिहड़ा सेवक सी ये बलबीर सिंह दे घर काम करता सी। सेवक जिहड़ा सी वो घर किसी दे सीरी लगा होया सी, उन्हां दी जिहड़ी बेटी सी 11-12 साल दी पोती उहदे नाल ये अश्लील हरकतां करदा सी, जिहदे करके कि जसप्रीत जिहड़ा मरण वाले दा फादर है उहनूं रोकदा सी। सो इस लड़ाई दे विच उहने जसप्रीत नूं मारन दी प्लैनिंग बनाई। सेवक ने, अमृत ने ते चन्नी ने, इन्हां तिन्हां ने मिल के प्लैनिंग बनाई। सो जदों इह जसप्रीत ते फायर करन गए उस वेले इन्हां दा फायर जिहड़ा सीगा उह बच्चे दे लग गया, जिहदे करके उहदी मौत हो गई। सो इन्हां तिन्हां नूं अरैसट कर लिया गया। जिहड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन्हां दा, अमृत ते चार परचे है जिन्हां च दो च ते सज़ा हुई है ते एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है ते एक चो बरी। परिवार दा इह वी दोष है, कहिंदे पहिलां असीं तलाक दित्ती सी वी इह सानूं धमकियां दिंदा जां होर पुलिस ने पुछगिछ कीती नहीं, कदी भी सुनवाई नहीं कीती। इस विच साडे कोल कोई इहो जी कंप्लेंट नहीं आई जिहड़ी उन्हां ने कही है, कोई रिटन कंप्लेंट साडे ध्यान च नहीं हैगी। बट फिर भी जे कोई इहो जिहा उन्हां ने इंटीमेट कीता सी ते जिहड़े भी लैवल ते उहदी कोई अणगहली रही है उस ते असीं एक्शन लवांगे। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਇਆ? ਉਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ MP ਤੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਐਗਜੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਾਤ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ, CID ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਫਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ।